press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शास्त्रपुरम में ज़ाविया हमद शादली में एक फ्री मेडिकल कैंप टीबी कैंप का इनेखाद अमल में लाया गया, जिसमें तमाम जो डेंगू की बीमारी है या फिर जो अफराद उससे मुतासर हैं, जो मासूम बच्चे या फिर हमारे बुज़ुर्ग उससे मुतासर हैं, उनकी तिबी जांच के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप का यहाँ पर इनेखाद अमल लाया गया। मैं सबसे पहले मोहतरमा डॉक्टर हफ्सा साहिबा का और उनकी डॉक्टर्स की टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर शास्त्रीपुरम में ज़ाविया हलम शादली में अपने इस कैंप का इनेखाद किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 400 पेशेंट्स का यहाँ पर मायना किया गया, और डॉक्टर्स के टीबी मायने के बाद जब डॉक्टर्स ने अपनी राय जाहिर की उनका मायना करने के बाद कि इनका ब्लड टेस्ट या इनका खून का इम्तिहान करवाना है, और डॉक्टर्स को इस बात का शुबा था कि शायद इन पेशेंट्स में डेंगू इनको हो सकता है, तो इसीलिए डेंगू टेस्ट जिसको डेंगू सीरोलॉजी CBP वायरल प्रोफाइल कहते हैं, उन्हीं पेशेंट्स का यहाँ पर फ्री में ब्लड टेस्ट करवाया गया है, और इंशाअल्लाह ताला एक 12 से 15 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जो पेशेंट्स का टेस्ट करवाया गया उनका टेलीफोन नंबर लिया गया है, और व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर फ़ोन के ज़रिए उनको बताया जाएगा कि टेस्ट की रिपोर्ट क्या आती है। अगर खुदा ना खास्ता उसमें रिपोर्ट ये आती है कि उनको डेंगू है, तो फौरन उनको डॉक्टर्स मशवरा देंगे कि आइंदा उनको चाहे दवाखाने में शरीक होना या फिर कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना। और आज आवाम के इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आने की वजह से मैंने मोहतरमा डॉक्टर हफ्सा साहिबा से ये गुजारिश की कि क्यों नहीं हम इस तिबी कैंप को और एक 5-6 दिन इसको बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब आवाम यहाँ पर आ रही है, और उन्होंने मेरी इस बात से राज़ी हुए, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके इस प्रोग्राम के या इस न्यूज़ के ज़रिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ख़ास तौर से ओवैसी हिल, दानम्मा हिल्स, नूर कॉलोनी, रिजवान कॉलोनी, सैफी कॉलोनी, शमा कॉलोनी, मोहम्मदिया कॉलोनी, हसन नगर, अंसारी रोड, BK पुरम के अहलियान महल्ला से गुजारिश है कि आकर इस टीबी कैंप में अपने आप का, अपने अफराद ख़ानदान का, अपने बच्चों का मायना करवाएं। यहाँ पर मुफ्त में डेंगू का टेस्ट हो रहा है और आइंदा 6 दिन तक ये चलता रहेगा। और तीसरी बात, अहम बात ये बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला कल मैं असरा और ओवैसी अस्पताल के ज़िम्मेदार डॉक्टरों से मीटिंग करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरह का कैंप शहर हैदराबाद में, ख़ास तौर से जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली का असम्बली हलका है, वहाँ पर भी एक इस तरह का हेल्थ कैंप हम करवाएँगे, क्योंकि ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहर हैदराबाद में ये बहुत बड़ी तकलीफ़ और फ़िक्र का बाइस बना हुआ है ये बीमारी। और मेरी अल्लाह से दुआ भी है, मेरी आप तमाम से अपील भी है कि आप भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह सुबहाना व ताला शहरियान हैदराबाद को इस बीमारी से निजात दिलाए, और हम बहसत एक सियासी जमात के, सियासी नुमाइंदे के, अवामी नुमाइंदों के, हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ख़ास तौर से हम अपने घर के अतराफ़ अखनाफ के माहौल को साफ़ रखें, किसी भी जगह पर पानी को जो ठहरावा है उसको निकालें वहाँ से, क्योंकि डॉक्टर्स का और माहरीन का ख्याल ये है कि जहाँ पर पानी जमा होता है उससे भी उस तरह के मच्छर वहाँ पर जमा होते हैं और वो एक बीमारी में इजाफा होता है। और अब ये कल मीटिंग मेरी होने के बाद एक तारीख का ऐलान किया जाएगा कि शहर हैदराबाद के किन किन मुकामात पर असरा अस्पताल और ओवैसी अस्पताल की जानिब से हम डॉक्टरों की टीम को वहाँ पर लेकर जाएँगे, मुफ्त में वे डेंगू का टेस्ट करवाएंगे फ्री में, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो उन तमाम लोगों को उसके तला भी दी जाएगी। ये हमारी तरफ से कोशिश है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसको कबूल करे।